तो फिर अमित, क्या सोचा आपने मुकेश भाई के रिश्ते के बारे में? सोचना क्या है बेटे, इतने अच्छे लोग हैं, इतना अच्छा लड़का है। मुझे तो बहुत पसंद है मुहीज, लेकिन बस वो हनी के वक्त में हाँ नहीं कह सकी, वरना उस वक्त भी मैं उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाती। अम्मी, एक बार और सोच लेना। मुझे लगता है वो नजर इस प्रपोजल को लेके काफी कंफ्यूज्ड है। क्यों कंफ्यूज्ड क्यों है, कोई नए लोग तो नहीं है? अभी वो पढ़ रही है, रिश्तों की कमी तो नहीं है। जाओ जाके बुला के लाओ उसे, नाश्ता ठंडा हो रहा है, आज यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी वो। अम्मी नहीं, आज नहीं जा रही मैं यूनिवर्सिटी। मुझे सारी रात नींद ही नहीं आई। तुम्हारी रातों की नींद किसने चुराई है? स्टॉप इट। क्या सोचा बेटे फिर तुमने? अम्मी, मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस रिश्ते के लिए राजी हूं। बहुत अच्छा फैसला किया बेटे तुमने, बहुत अच्छे लोग हैं और मुगीस तो बहुत ही सुलझा हुआ है। हाँ, अच्छा लड़का है, इसलिए तो मैं चाह रहा हूँ, मगर मुझे डर है कि कहीं हमने उनको जवाब देने में देर की तो वो कोई और लड़की ना देख ले। नहीं नहीं भाई, कोई और लड़की क्यों पसंद कर लेंगे, मैं तो बस मुनजा के जवाब का इंतजार कर रही थी। इसने अभी भी बताया कि इसे कोई एतराज नहीं है। इतराज होना भी नहीं चाहिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि मेरी बेटी मेरी नजरों के सामने रहेगी, सामने ही तो घर है। वाह डैड, मुनस्सा के बारे में इतना सोचा और हानिया के बारे में इतना दूर रिश्ता करवा दिया। बेटा उसका फैसला तुम्हारी माँ ने लिया है, वही जवाब देंगी। मेरा फैसला नहीं है बेटे, तकदीर का फैसला है और हम तकदीर के सामने सिर्फ सर झुकाते हैं। बहुत प्यार से मांगा है उन्होंने इसे। चाय देना बेटा मुझे, आराम से। भाई तुमने तो जैसे ही मुझे मुनज़्ज़ा के रिश्ते के बारे में बताया मैं तो फौरन आ गई। सच कहूँ तो मुझे तो बड़ा ही अफसोस हुआ है। कितनी मर्तबा मैंने कहा है हमजा से मुनज़्ज़ा के लिए, मगर राजी नहीं होता। भाई समझती है उसको अपना। सगा भाई तो नहीं है ना? एक बहन पे तो इतना इतराज था आपको भाभी, दूसरी पे इतनी जल्दी राजी हो गई हैं। शबाना मेरा मुंह मत खुलवाओ, कौन सा सगी बहन? अच्छा भाभी, अब तो मेरी बेटी की बहुत अच्छी जगह शादी हो रही है, अमेरिका चली जाएगी अब तो। आजकल तो हर हैरा गैरा उठकर अमेरिका लंदन चला जाता है, ऐसी क्या खास बात है इसमें? जी किस्मत है मेरी बेटी की, नफरतें क्या बिगाड़ सकती हैं उसका। कुछ नहीं आंटी, मैं हानिया से पूछा था कि नायला आंटी और डॉक्टर राहिल नहीं आए। फारूक को नहीं पसंद कि तुम हानिया से कोई फालतू बात करो, दूर रहा करो उससे। हमजा तो तबीयत तो ठीक है, बाहर क्यों आ गए? अंदर मेरा दम घुट रहा। भाग के लिए अब तो भूल जाओ हानिया को, शादी हो रही है। शादी हो रही है लेकिन मुझसे नहीं हो रही, जान छुटेगी हमारी। क्या हो जाता अगर आप मान जाती? अब ना वो खुश है और ना मैं। बहुत खुश है, इतना बड़ा डॉक्टर है, अमेरिका जा रही है, और क्या चाहिए इसे भला? खुश वो सिर्फ मेरे साथ हो, उसकी आंखें बुझी हुई है, चेहरा उतरा है। नहीं आप कभी नहीं समझेंगे।
तो इसका मतलब है कि तुम मुझे अपने कजन हमजा की वजह से ठुकरा रही थी, लेकिन तुम्हें तो वो भी नहीं मिला। मेरा दिल दुखाने की कुछ तो सजा मिली तुम्हें। भाई जल्दी आ जाए, अम्मी बुला रही हैं। भाई कपड़े नहीं बदले आपने अभी तक? हाँ बदल लूंगा, तुम्हें क्या मसला है? भाई रात बहुत हो गई है। रात तो हो चुकी। अलीना एक बात करूं मैं तुमसे। क्या हुआ? आज मेरे दिल को एक अजीब इत्मीनान सा है। कैसा इत्मीनान? अगर वो मुझे ना मिली तो उसको भी कोई नहीं मिला। क्या क्या कह रहे हैं आप? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी भोली बहन, बहुत मासूम हो तुम, कुछ नहीं। अच्छा चलिए जल्दी आ जाए, मैं जा रही हूं। मैं किसी को धोखा देने में शबाना का साथ नहीं दे सकती। मैं खुदा के लिए चले यहां से। बात करने दो मुझे, चुप रहो। आप किसी बच्ची के बारे में जानना चाहती थी ना, वही जिसे उसकी माँ डॉक्टर शबाना के क्लिनिक में छोड़कर चली गई थी। तो जिस हानिया से आप अपने बेटे का रिश्ता करना चाह रही है ना, ये वही बच्ची है। कि आप क्या कह रही हैं? सच कह रही हूं। मुझे भला क्या जरूरत है आपसे गलत बयानी करने की? लेकिन डॉक्टर शबाना तो कह रही थी कि वो बच्ची उन्होंने किसी बेऔलाद जोड़े को दे दी थी। झूठ कह रही थी। अब आप ही बताएं भला, जिनसे रिश्ता जोड़ा जाता है उन्हें क्या इतना बड़ा धोखा दिया जाता है? अम्मी बस बहुत हो गया। चुप करो। देख रही हैं मेरे बेटे को? इसे भी हानिया ने अपने पीछे लगाया हुआ है। वो तो मैं असल हकीकत जानती हूं, इसीलिए इस रिश्ते पर तैयार नहीं थी। क्या पता किसका गुनाह है। मैं कैसे बगैर जाने बुझे ऐसी गंदगी को उठाकर अपने खानदान की बहू बना लूं? आप लोगों को तो अंधेरे में रखा है शबाना ने। यकीन करें बहुत बड़ी ज्यादती की है आपके साथ। कहां जा रहे हो? हानिया के घर, शबाना आंटी को बताने के लिए कि आप वहां क्या गुल खिलाकर आई हैं, ताकि वो नायला आंटी से खुद बात करके सब। खबरदार जो तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया हो तो। उस लड़की की मोहब्बत ने तुम्हें इतना पागल कर दिया है कि अपनी मां से बात करने की तमीज भी भूल चुके हो तुम। अगर मुझे उसकी मोहब्बत ने पागल कर दिया तो आपको उसकी नफरत ने। मैं सोच भी नहीं सकता था आप इतनी गिरी हुई हरकत करेंगी। हमजा, अब अगर तुमने एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो अच्छा नहीं होगा। पता चलेगा मैडम शबाना को, अबल तो वो लोग बारात लेकर आएंगे ही, और अगर दुनिया के खौफ से आ भी गए तो सारी जिंदगी हानिया को वो इज्जत नहीं मिलेगी, ताने सुनने को मिलेगी। आपको एक बार भी इस बात का ख्याल लिया कि आपकी अपनी भी एक बेटी है? मेरी बेटी अपने ससुराल में बहुत खुश है। कितना इतरा रही थी शबाना। मैं आपको इस तरह हानिया की जिंदगी बर्बाद करके खुश होने का मौका हरगिज़ नहीं दूंगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपका ये रूप देख के तो मुझे यकीन हो गया आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। देखिए दिल माने ना, पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।